घर को आग लग गई घर के चिराग से। पन्नू आखिल में खौफनाक वाकया। जुनूनी शख्स ने अपने ही घर की 10 खवातीन और बच्चों को छुरियां मार मार कर कत्ल कर दिया। वजीर आला सिंध ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब से पीछे हटे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अपनी तरजीहात बता दी। कहा अपोजिशन ब्लैकमेल करके एनआरओ चाहती है, पहली बार ताकतवरों को कानून के नीचे लाया गया है। वजीर आजम ने कहा चोरी बचाने के लिए एफएटीएफ कवानीन के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीआईए पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का मामला ठीक अंदाज से पेश नहीं किया जा सका। इमरान खान ने अहम मामले में हुकूमती गलती तस्लीम कर ली। कहा इंक्वायरी रिपोर्ट खौफनाक थी, इस मसले पर खामोश रहते तो दुनिया में ज्यादा बदनामी होती। कराची के मसाइल देखकर तकलीफ होती है, वफाकी हुकूमत मदाखलत करे तो सूबाई हुकूमत शोर मचाती है, लेकिन अब हालात बेहतर होंगे। कराची के करीब जजीरे में जदीद शहर बसाने की खुशखबरी भी सुना दी। पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता, फलस्तीनियों के हकूक का सौदा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़े पैगाम। कहा इसराइल को तस्लीम करने का मतलब ये है कि हमें कश्मीर से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जरूरी नहीं जो पाकिस्तान चाहता है वो सऊदी अरब भी करे। सियालकोट में 7 साल की बच्ची का कत्ल। एक रोज पहले ट्यूशन पढ़ने गई तो वापस न आई, लाश खाली घर से मिली। वज़ीरे आला पंजाब का नोटिस, आरपीओ से रिपोर्ट तलब, 48 घंटे में मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। आमदन से जायद असासों का केस सिंध हाई कोर्ट में। शर्जील मेमन की जायदाद की तफसीलात पेश। अदालत नैब तफ्तीशी अफसर पर बरहम। कहा आप कैसे तफ्तीशी अफसर हैं, बुनियादी मालूमात तक नहीं, फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क नहीं मालूम। फार्म हाउस के कागजात पेश न करने पर अदालत ने कहा यह सबसे अहम इल्जाम है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, ऐसी तफ्तीश पर तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तफ्तीशी अफसर की माजरत पर अदालत ने कह दिया हमें माफी नहीं, सबूत चाहिए। सीटीडी अहलकार अगवा कार बन गए। कराची के नाजमाबाद से सोने के ताजिर को घर से अगवा किया, पैसे लेकर छोड़ दिया। अदालत के हुक्म पर सीटीडी ऑफिसर इजाज भट्ट और टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों में 22,000 टेस्ट में से 613 मस्बत आए, 11 इंतकाल कर गए। एक्टिव केसेस 12,116 रह गए।